तो हम चल रहे हैं यहाँ से, ये हम अपना रास्ता। लेकिन भाई हाथी ने कोई भी रास्ता यहाँ पर छोड़ा नहीं है, देखो यहाँ भी हर तरफ से आ रहा है, यहाँ से भी आया हाथी। तो अब यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ, देखो मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी अपनी बताया है कि जब भी हम लोग नदी में उतरते हैं कहीं से भी, तो हमको एक पहले वहाँ पर ऊपर से वॉच लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तो नीचे नदी में हमको क्या देखने को मिल सकता है इसका, इसके बारे में कुछ नहीं सोचा जाता। हो सकता है लेपर्ड हो, टाइगर हो, बहुत ही संभल के पहले ऊपर से पूरी वॉच लेनी है, उसके बाद ही हमको नीचे उतरना है। क्योंकि अगर एलिफेंट भी होगा ना, तो भाई एलिफेंट भी बिल्कुल ऐसे अटैक करता है। बहुत सारे हादसे ऐसे हमारे गाँव में, हमारे क्षेत्र में हो चुके हैं, जहाँ पर अचानक हाथी से मुठभेड़ हुई और हाथी ने फुटबॉल बना दी, और फुटबॉल बना के ऐसी लात मारी कि आदमी ऊपर नहीं, ऊपर ही उठ गया। तो अभी देखो आवाज़ सुनी है हमने, इस तरफ मेरे ख्याल से हिरन थे, हिरन की आवाज़ मेरे को लग रही है, तो इस तरफ से वो वापस उधर कोई भाग गया है। तो ये देखो यार नदी का व्यू देखो, ये देखो और इधर देखिए, भाई आज फिर से आपको लेकर के आ रखा हूँ देखो प्राकृतिक गोद में। तो यहाँ पर इस जंगल के अंदर हम काफी अंदर आ चुके हैं, तो नदी पे अभी हम बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक चीज मेरे को ये लग रही कि यहाँ पर वॉचमैन नहीं है हमारा, ना यहाँ पर बंदर देखने को मिल रहा है और ना ही यहाँ पर लंगूर है। तो ये जो यहाँ पर जो एटमोस्फेयर है एकदम शांत, एकदम संट है। तो यहाँ पर ऐसे जब जंगल में हम ऐसे जंगल के अंदर जब हम होते हैं ना, यहाँ पर वॉचमैन ही नहीं है, तो वहाँ पर हमको खुद वॉचमैन का काम भी हमको खुद करना पड़ता है, हमको खुद चारों तरफ से देखना है। तो जब भी आप ऐसी किसी जगह पे बैठे हो जहाँ पर आपको आसपास कहीं भी लंगूर या बंदर आपको नहीं दिख रहा है ना, तो वहाँ पर आपको वॉचमैन खुद बनना पड़ेगा, खुद आपको वॉच रखनी पड़ेगी, अपने कान दिमाग बिल्कुल हर चीज पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। तो एक बार आपको 360 व्यू में दिखा रहा हूँ इसका, देखो कहाँ पर हम आज आए हुए हैं, कितना बढ़िया, कितना सुंदर, एकदम क्या बेहतरीन जगह है। एक बार 360 व्यू देखो ना, ये देखो भाई, जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा था, हम पूरे रास्ते वहां से आए हैं, जो अब हम अपने गांव से नीचे को नदी में उतरे हैं। तो पूरा का पूरा हाथी जो है सीधे गांव में घुस रहा है आजकल। तो हाथी इस तरफ से आ रहा है जंगल से होते हुए, यहां पर अपना उसने पानी वानी पिया, इसके बाद वो रात को सीधे गाँव में। तो जो भी हमारी फसलें हो रही है, तो उनको वहां घुसना, ठीक है ना, वहां नुकसान पहुंचाना, फसल खाना, तब वो उसको बिल्कुल एकदम फैमिलियर हो गया है, सीधे जो है सीधे गाँव में ही घुस रहा है। तो वन विभाग से लगातार हम लोग अपील कर रहे हैं कि इनके लिए इनको रोका जाए, इनको रोकने के लिए कोई व्यवस्था करी जाए। तो वन विभाग की टीम द्वारा जो जंगल के किनारे के जो गांव हैं, पूरे के पूरे सौर ऊर्जा द्वारा एक झटका जो है करंट का दिया जाता है, तो वो पूरे के पूरे लगा रखे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जानवर को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। वो वैसे इंसानों के लिए तो वो झटका बहुत हैवी होता है कि एकदम खट्टा स्वाद आ जाता है मुंह में अगर इंसान को लग जाए, लेकिन जानवरों के लिए वो बहुत लाइट होता है, लेकिन इतना तगड़ा होता है कि अगर एक बार उसको लग जाए तो जानवर फिर जंगल में आकर के ही रुकता है। तो यहाँ से हम वापसी में जाएंगे, तो फिर एक बार कैप्चर करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमको कुछ मिलता है यहाँ से निकलते हुए, तो वो भी हम इसमें अपडेट कर देंगे। अगर कुछ नहीं मिलता है तो फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय श्री राम।